वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मीणमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंतधर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। नॉलेज लिबरेट्स। ज्ञान वही है जो हमें बंधनों से दुखों से छुटकारा दिलाए। सा विद्या य विमुक्तये। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज ब्लिस। ज्ञान ही सच्ची ताकत है और ज्ञान ही खरेखर वरदान है। इस प्रसंग में आपको समझना चाहिए सम्यक ज्ञान। और दौलतराम जी भी कहते हैं, यह समामृत जन्म जरा अमृत रोग निवारण। एम्ब्रोशिया अमृत की उपमा दी है, जिसके बाद जीवन मरण कुछ दिखता ही नहीं। पर्याय रूप अपना अस्तित्व, उतना मात्रा अस्तित्व, इस कल्पना से पार दूर जाकर एक सत्य की आराधना में जाकर स्थित हो जाता है जीव। इसमें कोई शक नहीं है कि समस्त विद्याओं में एक अध्यात्म विद्या ही सर्वोपरि है। सर्व समस्त विद्याएं मतलब 14 विद्याएं कहो अथवा 72 विद्याएं कहो, जो भी कुछ विभाजन बनता है। टोडरमल जी ने लिखा पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, 14 विद्याओं में एक अध्यात्म विद्या ही सर्वोपरि है। और वैसे आप जानते हैं तीर्थंकर कुलकर, और पीछे चलिए कुलकर जो उपदेश देते हैं, भोग भूमि से नए रूप से जीवन यापन करने के लिए कर्म भूमि में प्रवेश का जो जरिया खड़ा करते हैं, उसमें 72 कलाएं सिखाते हैं। पुरुषों की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, महिलाएं के शायद 64 कलाएं कहिए, देखना चाहिए। जग में कला 72, तामे दो सरदार। और पहली कला कौन सी कही? जीव की जीविका। और दूजा उसका उद्धार, लिवलीहुड इज टू लिव। आजीविका भी खरे अर्थ में आनंद से जीने के लिए है। फिर से, समस्त विद्याओं में सर्वोपरि विद्या एक अध्यात्म विद्या है, जो हमको अपने में रमण करने की कला सिखाती है, विश्व से अलग होने की, अलग रहने की प्रेरणा देती है। उनके बिना ही मैं मेरा सुख उत्पन्न कर सकता हूँ, यह अद्भुत कला देती है। बावजूद इसके लौकिक जितनी भी विद्याएं कही गई है, ऑफ कोर्स यह सब भगवान ने ही कही है, आज जितनी भी लौकिक विद्याएं पढ़ाई जा रही है, उल जलूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मेडिकल साइंस में कोई हिंसात्मक पद्धति की बात है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी मूल विद्याएं, यह सब अपने ग्रंथों में मिलेगी। थोड़ी सी लौकिक विद्या के आधार से मैं कुछ अपने बात रखूँगा, जो वर्तमान प्रकरण में बहुत युक्ति संगत करके आपको बहुत अच्छे से जमाएगी। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, आप पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, बच्चे तो पढ़ते ही है,
ज्योमेट्री नाम का एक सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री, इसे अंकगणित, बीजगणित, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे दो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप समझिए इसको। देखिए, कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ते समय, मैथ्स पढ़ते समय बच्चे को टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, गौर करिए सभी, सपोज अ पॉइंट ए ऐसा पढ़ाते हैं, सपोज अ लाइन ए बी, सपोज अ ट्रायंगल ए बी सी ऐसा पढ़ाते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है, मैंने एक दिन टीचर को पूछा अपने स्कूल में, व्हाई डू यू कॉल सपोज, वेयर द क्वेश्चन अराइजेस ऑफ एजम्पशन हियर। क्या कह रहे हैं वो, मैथमेटिक्स में पढ़ाते समय कहते हैं कल्पना करिए, एज्यूम दिस अ ट्रायंगल ए बी सी, साफ साफ दिखा रहे ट्रायंगल, और क्या कह रहे हैं, कल्पना करिए कि ये ट्रायंगल है, साफ साफ दिखा रहे एक पॉइंट, और क्या कहते हैं, कल्पना करिए यह एक बिंदु है, एक लाइन खींचकर दिखा रहे हैं, और क्या कहते हैं, कल्पना करिए ये लाइन है। मैंने टीचर को पूछा, वेयर द क्वेश्चन अराइजेस टू एज्यूम, प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कल्पना का, ये तो सत्यता है। उन्होंने बहुत जबरदस्त उत्तर दिया था, उन्होंने ये कहा था, दिस इज नॉट अ रियलिटी माय डियर, दिस इज जस्ट एन एजम्पशन। हाउ इज इट सर, सर ने कहा ये पॉइंट है, इट सीम्स टू बी अ पॉइंट टू यू, बट इट्स नॉट रियली। व्हाट इज इट, ये जो पॉइंट दिखता है वो पॉइंट नहीं है, ये हम तुम छदमस्त है, ये मेरी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, अल्पज्ञ है, स्थूल बुद्धि वाले हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट कहते हैं। इसको यदि देखिएगा लेंस से, दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज अ सर्कल हैविंग अ पर्टिकुलर रेडियस, उसकी कोई परिधि भी है, उसका अपना अपना सब कुछ है, क्या कहते हैं, व्यास है उसका अपना। हमने कहा यह सर्कल है और एक तो पॉइंट है, अरे दूरबीन से देखो पॉइंट भी एक सर्कल है। अभी कहते जो लाइन होती है, एज्यूम दिस लाइन ए बी, दिस इज नॉट रियली अ लाइन माय डियर, दिस इज रियली अ रेक्टेंगल। अब समझ रहे भाई साहब मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा इतना समझना पड़ेगा आपको, उसके बिना सिद्धांत नहीं समझेंगे आज। लाइन जो दिख रही है उसको दूरबीन से देखिए, वो लाइन नहीं है, एक रेक्टेंगल, आयत, आयत कहते हैं उसको, स्क्वायर को चौकोर कहते हैं, रेक्टेंगल को क्या कहते हैं आप, शायद आयत, एनीवे आप समझ तो गए होंगे। कहते हैं जो लाइन भाषित भाषित ही हो रही है नहीं, और ऐसा ही ट्रायंगल समझना, स्क्वायर समझना, रेक्टेंगल समझना, एजम्पशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी कल्पना की बात है। एक उदाहरण को अच्छे से समझिएगा और उसके जरिए बड़ी बड़ी चीजों का फॉर्मुलेशन सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की कि कैसे एरिया फाइंड करना, क्या करना, सब सिखाया जाता है। इस कल्पना को आप समझ लीजिए तो आप सच्चाई में भी पार उतर जाओगे, एक बात। दूसरी बात, कभी कभार ये होता है कि आपको दिए जाते दो बाजू और आपको तीसरी बाजू फाइंड करनी है, तो वो वहाँ पर ये कहते हैं मैथमेटिक्स में, एज्यूम दिस एज एक्स, क्ष क्ष जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है, त्रैराशिक, तीन अंक दिए हैं और आपको चौथा अंक फाइंड करना है, हम क्या करते हैं, एज्यूम दिस एज एक्स, हम उसको सपोज करके चलते हैं कल्पना, उसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, और फिर बाद में इसके जरिए एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जैसे एक केला एक रुपए को, तो 12 केले कितने रुपए को, तो हमने कहा एज्यूम एक्स, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू एक्स, हम कहते देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स की फिगर मिल गई। वेरिएबल आज डालिए तो कल आपको कांस्टेंट फिगर भी मिलेगी, अच्छे से समझिए उदाहरण क्यों कह रहा हूं मैं। ठीक उसी प्रकार थोड़ी देर के लिए
जैसे आपने ये माना कि इसको मानिए, ये पॉइंट है, मानिए ये लाइन है, थोड़ी देर के लिए मानिए तो भैया, मानिए तो, यही पर झगड़ा करोगे तो मैथमेटिक्स सीखोगे कैसे? ठीक उसी प्रकार थोड़ी देर के लिए आचार्यों ने, जिन शासन ने हमको ये बताया, थोड़ी देर के लिए शरीर को और जीव को, मैं मानो नहीं कहूँगा अभी, शरीर को और जीव को एक जानो, इससे भी हमारे बड़े प्रयोजन की सिद्धि होगी। जैसे वहाँ पर वेरिएबल एक्स था, उसी प्रकार शरीर भी यहाँ पर एक वेरिएबल है, क्योंकि बदलता है ना निरंतर, वैरायटी चेंज होती है, और उसके जरिए कांस्टेंट की प्राप्ति करने, कांस्टेंट मतलब मैथमेटिक्स के विद्यार्थी यदि यहाँ होते तो आनंद से बहुत झूम जाते भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ लाइफ साइकिल की जितनी विद्याएं हैं, उन विद्याओं में से हमको अध्यात्म सीखते आना चाहिए। हमारे पास इतना समय और फुर्सत नहीं है आज कि हम 24 घंटे उस ग्रंथ को लेके बैठेंगे। कुछ मजबूरियों में फंसे हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ शारीरिक प्रतिकूलताएं है, सब बातें हमको हर जगह से वो चीज़ निकालते आनी चाहिए। लोक में भी ये चीज़ बताई जाती है, कल्पना के जरिए एक सत्यता की ओर बढ़ाते हैं। एक थोड़ी देर के लिए जिनागम ने हमको ये बताया, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयने, कि थोड़ी देर के लिए ऐसा जान कर चलिए, ऐसा कहिए से एक्स, तो कहते कहिए कि शरीर और जीव एक है। तो इससे क्या होगा, इससे अभी मत लड़िए, इसके बाद इसको भी हटा देंगे और बाद में आपकी परमानेंट वैल्यू मिलने के बाद इस एक्स का भी काम नहीं रहेगा। एक ज्योमेट्री का मैंने एक रूल दिखाकर अध्यात्म में घटित करके दिखाया, कुछ कल्पना के जरिए हम एक सत्यता की ओर पहुंच रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, उससे पहले मैं नए चक्र की एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है आचार्यों की, श्रुत ज्ञान भवन दीपक, नए चक्र की ये पंक्तियां है, शायद अष्टपाहुड़ की टीकाओं में भी ये लाइन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम्यक व्यवहार के जरिए मिथ्या व्यवहार का त्याग करिए, स्टेप वन। स्टेप टू थोड़े टाइम में मैं इसको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। स्टेप वन, सम्यक व्यवहार के माध्यम से मिथ्या व्यवहार का त्याग करिए। स्टेप टू, निश्चय के माध्यम से व्यवहार का त्याग करिए, सम्यक व्यवहार का ऑफ कोर्स। स्टेप थ्री, निश्चय का विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय के द्वारा इस निश्चय का भी त्याग करके, निश्चय नए संबंधी विकल्प का त्याग करके नए पक्षातिक्रांत हो जाइए। 144वीं गाथा, ये मूल आचार्य देव के वर्डिंग्स है। इसको क्या है, इसका रहस्य मैं अभी थोड़ी देर में खोलूंगा। मैंने अभी यहां पर तीन पॉइंट्स बोले, वुड एनीवन रिपीट? पहली बात, सम्यक व्यवहार के जरिए मिथ्या व्यवहार का त्याग करिए, निश्चय के जरिए, सम्यक निश्चय के जरिए सम्यक व्यवहार का त्याग करिए, और देन निश्चय नए का भी विकल्प छोड़ने के लिए, नए पक्षातिक्रांत होने के लिए निश्चय नए के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय करिए, निश्चय नए संबंधी विकल्प का भी त्याग हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्योमेट्री का एक सेकंड रूल मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल आप तो सब समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते समय लगभग ये जानते, 90 डिग्री का कोण वाला एक ट्रायंगल है कोई। तो ऐसा भी होता है मैथमेटिक्स में कि इसकी दी जाती है कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हाइपोटेन्यूज? ए सी, ए बी इज 4, बी सी इज 3, ये कैसे फाइंड करेंगे ए सी? तो एक पाइथागोरस का रूल है, पाइथागोरस फॉर्मूला, कि वो कहता है 3² + 4² इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग थर्ड साइड। तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट करिए तो तीसरे साइड का डिस्टेंस होगा 5।
अभी ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया। अभी समझिए, आपको एग्जाम में बहुत बड़ा स्क्वायर दिया गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया गया। अभी कितना भी बड़ा दे, एक बार फॉर्मूला आपको अवगत हो गया भाई साहब, फॉर्मूला ये ट्रायंगल हो अथवा वो ट्रायंगल हो अथवा कितना भी बड़ा हो, तो भय खाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में है, देर उतनी ही लगेगी। ठीक उसी प्रकार जिसको एक ट्रायंगल की एरिया, एक स्क्वायर की, रेक्टेंगल की एरिया ढूंढना आई, उसको दुनिया भर के सब, उसको मल्टीप्लीकेशन सब आ जाएगा उसको, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने की सामर्थ्य रखता है। ठीक उसी प्रकार एक रूल तो हमने ये कहा, देह और जीव को एक कहो, ऐसा शंकाकार का 26वीं गाथा में कहना था। आचार्य देव ने यह कहा था कि एक कहवत की बात है, व्यवहार का कथन, व्यवहार से दोनों एक है क्या? फिर से दोनों को एक कहा जाता है, मतलब ही व्यवहार से एक है। व्यवहार से एक है मतलब व्यवहार से एक कहा जाता है, उसको ऐसे भी कहते हैं व्यवहार से दोनों एक है। लेकिन परमार्थ से विचारे तो जीव जीव है और शरीर शरीर है। टोडरमल जी ने सोने और चांदी का उदाहरण जीव और कर्मों की भिन्नता के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पर कर्म की भिन्नता के लिए न प्रयोग करके शरीर के लिए किया है। एनीवे, दोनों से अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से ही संबंध जुड़ता है, संश्लेष संबंध तो दोनों से है और मूल प्रयोजन शरीर से भेद विज्ञान का चल रहा है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो शरीर एक दिखता है निश्चय नहीं, ये कहता है परमार्थ से ये एक नहीं है ये बात। और थोड़ी देर के लिए काम निकालने के लिए हमने जरूर जीव का जितना परिचय कराया, बोलिए वो कहाँ से कराया? शरीर की तरफ से कराया। आप बताइए मुझे जरा, अमुक जीव सामने वाला जीव अमुक इंद्रिय है, ये आप कैसे निर्णय करेंगे? आपके पास क्या जरिया है जिसके जरिए आप पहचाने कि यह अमुक इंद्रिय है? कैसे पहचाना आपने? अरे भाई, वो भी तो शरीर को देखकर ही तो पहचाना जाएगा। शरीर को देखकर अंदर के ज्ञान का पता चल जाता है। ऐसा एक एक एक्टिविटी समझना, शरीर को देखकर अंदर का ज्ञान, चित्री केले का उदाहरण चल रहा था अपना, उसको समझना। आचार्य देव कहते थोड़ा सपोजिशन, कल्पना हमने की है शरीर और जीव को, थोड़ी देर के लिए एक जानो, फिर इसको भी हटा देंगे, तुम वहीं पर लपक मत जाना, ये 27वीं गाथा में बोला गया। और दूसरा भी फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, एक की एरिया समझ में आई तो दुनिया भर के सबकी स्क्वायर रेक्टेंगल की एरिया समझ में आती है। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर और जीव भगवान का अलग अलग है, वैसे ही यहाँ पर स्थित हर एक सांसारी जीव की यह हालत है। अभी समाधि तंत्र की हम एक गाथा पढ़ रहे थे, अभी शायद 3-4 दिन पहले रात्रि में वहाँ पर एक श्लोक आया है, नॉट गाथा, वेरी सॉरी, श्लोक कहते उसको। उस श्लोक में बहुत सुंदर बात आई, उन्होंने ये कहा जो जीव स्वयं को शरीर से अभिन्न देखता है, अपने भी पड़ी होगी अभी, वह विश्व के एक एक जीव को, सिद्धों की बात नहीं लेना, वह विश्व के एक एक जीव को शरीर से युक्त ही मानता है। और जो स्वयं को यहाँ पर शरीर और जीव अलग अलग देखता है, वो तो वेदी में विराजमान वाले भगवान को भी डिस्टिंग्विश कर सकेगा, ये जीवाश्रित गुण है और ये शरीराश्रित गुण है। वो देखते हुए भी वो बराबर समझता जाएगा परमार्थ कौन सा और सत्यार्थ कौन सा। समझ रहे होंगे, रमेश नाटक कर रहा है मंच पर, कहते समय हम ये कह रहे रमेश ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, एक्टिंग रावण कर रहा है, वो कदाचित ये कहे रावण की एक्टिंग गजब की है, क्या हम नहीं कहते? लेकिन ऐसा कहते समय हमारे दिमाग में रावण नहीं, वो रमेश रहता है। कहते रावण की टोन में है, दिमाग में रमेश रहता है। आगे की 28वीं गाथा में कल जो हमने जाते जाते पढ़ी थी, उसमें यही तो बात कहने का प्रयास किया। कहते हैं आचार्य भगवान जितनी भी भक्ति स्तुति करते हैं,
ध्यान रखना और एक बात को, और एक बात रखना ध्यान में रखना, स्तुत्य पांचों परमेष्टि है लेकिन स्तुतिकार अरहंत और सिद्ध परमेष्टि स्तुतिकार नहीं हुआ करते, क्योंकि द्वैत भक्ति का सद्भाव ये प्रवृत्ति है और ये छठवें गुण स्थान तक संभव है। सातवें और उसके ऊपर के बाद ऐसी द्वैत भक्ति संभव ही नहीं, अद्वैत नाम की निश्चय भक्ति ही रहती है। इवन यहाँ पर चौथे पांचवें गुण स्थान में भी निर्विकल्प अवस्था में, शुद्धोपयोग अवस्था में, आज हम सब इसको देख रहे थे, निवृत्त हालत में भी अद्वैत भक्ति ही वर्तती है। आज कल 28वीं गाथा में हमने यह पढ़ा था कि ज्ञानी जन मुनि जन, अभी देखिए फिर मुनि शब्द आया है। मैंने थोड़े टाइम पहले आपको कहा था 16वीं गाथा में, मैं क्या कह रहा था आपको, शायद 16वीं गाथा में मैं कह रहा था, मैं आपको, हाँ वहाँ पर चल रही थी, मैंने ये कहा था आपको कि कुछ एक गाथाओं में, कुछ एक कलशों में मुनि ऐसा शब्द आया और लोग ये भ्रांति कर गए कि ये तो मुनियों के लिए पढ़ना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था आपको, मैंने ये भी कहा था मुख्यता से मुनि को पढ़ने लायक है ऐसा जयसेन स्वामी का भले कहना है, 19वीं गाथा के उत्थानिका में मैं कह रहा था, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ कह रहे अथ अप्रतिबुद्ध आह, ये अप्रतिबुद्ध ऐसा प्रश्न पूछता है कि जीव कब तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा, अज्ञानी रहेगा। एनीवे मैं कहाँ तक आया, यहाँ पर जो गाथा कल पढ़ी हमने उसमें ये कहा, ज्ञानी जन भले ही बोलते समय तुमने सुना होगा उनके मुख से कि आपका शरीर ऐसा है, टिमकार से रहित आँखें है, आपकी लालिमा से रहित आँखें है, लेकिन ऐसा बोलते समय उनके ज्ञान में वे आँखें रहती नहीं हैं, उनके ज्ञान में वह वितरागता बनी रहती है। बोलते ऐसा है, मानते ऐसा है, और इसलिए ये सब संभव हो पाया है। केवल वो बोलते ही है, मानते नहीं है ऐसा, ऐसी बात यहाँ पर कल पढ़ी थी। एक बार हम क्या करते हैं, 28वीं गाथा को पढ़कर थोड़े उस अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन मन्नम जीवादो देहम पोगल मयम थुणे तुमुणि मन्नदिहु संथुदो वंदिदो मय केवली भयवम। अनुवाद पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ना है। जीव से जुदा पुद्गल मई इस देह की स्तवना करी माने मुनि जो केवली वंदन हुआ स्तवना वही। अभी ऊपर से देखो कैसा अर्थ लग रहा है इसको, ऊपर से ऐसा लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, ऐसा लिखा है अर्थ कि ज्ञानी देह की स्तुति करते हैं और मानते हैं मैंने आत्मा की स्तुति की, तो ऊपर से तो ऐसा लगता है ये ज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा, लेकिन समझना वो है कि बोलते उनके वचन शरीर परक निकलते तो है लेकिन उनके दिमाग में आत्मिक गुण है, आदर उसका है। देखिए, लिसन नाउ, कोई जो हमको बहुत चाहता है एकदम दूर से दौड़ता आया, भारतीय संस्कृति के हिसाब का प्रश्न है, सालों के बाद एकदम मेरा शिष्य आया दौड़ता, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कुछ तो बोलिए, पैर छुएगा। अब वो छू रहा है पैर और मान क्या रहा है, ये पैर पैर का प्रतीक थोड़ी है, ये पैर आचरण का प्रतीक है। पैर मतलब जैसा जिस पंथ चले आप, उसी पंथ पर हमको भी चलना। चरण मतलब एक मार्ग, धन्य है आपके चरण, और चरण मतलब आचरण चरित्र। तो वो छू रहा है पैर और मान क्या रहा है, ये सर्वगुण संपन्नता मुझे प्रकट हो। अच्छा, दूसरा, दूसरे और एक उदाहरण, पाणी ग्रहण होता है, पाणी ग्रहण, आजकल तो ये भी प्राण ग्रहण हो रहे हैं दहेज आदि के माध्यम। एनीवे, पाणी ग्रहण समझ में आता है भाई साहब, पाणी ग्रहण क्या है ये, आप बोलिए, पाणी ग्रहण
शादी, बराबर बराबर बराबर, ठीक। पानी मतलब वो वाला पानी नहीं है, ये पानी मतलब हाथ, ठीक है। हाथ में हाथ थामा है, क्या मानती है नारी, पुरुष क्या मानता है? आज पहली बार बहुत जिम्मेदारी का अनुभव होता है। नारी ये मानती है मेरे ऊपर दुगुनी जिम्मेदारी है, एक तो इनकी इज्जत और इनकी शान, जहाँ पर मैं आई हूँ वहाँ पर तो बहुत मेहनत करनी है, जहाँ पर नए सर से आई हो, और यहाँ पर जैसी मेरी छवि बनेगी वैसी रिपोर्ट वहाँ पर जाएगी मेरे मायके में, और मैं दूध को थोड़ी ले जाऊँगी। तो अपना भार महसूस कर रहे आज पहली बार, और इसके बाद देखिए उसके हर एक एक्टिविटी बदल गई। जो माँ उसको डांट फटकारती थी, कुछ नहीं करती, वहाँ जाएगी क्या करेगी आदि, मैं समझता हूँ हर एक माँ बाप बोलते होंगे। और सेकंड डे तो किसी को ये विजुअलाइज नहीं करते उसको कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। और बराबर वहाँ की पूरी गृहस्थी उठा लेती, कैसी भी नौबत आए पलट कर नहीं देखती। मेरा क्या कहना है फिर से, हाथ थामा है मतलब हाथ नहीं थामा है, हाथ स्टैंड्स फॉर कर, कर, और कर थामना मतलब सब कुछ कर गुजरने की बात है इसमें, इसलिए हाथों मतलब हाथ की बात थोड़ी है। और उंगली पकड़ता है बच्चा, समझता क्या है, पूरा सपोर्ट सहारा। ठीक उसी प्रकार हम बोल रहे हैं शरीर के बारे में, दिमाग में हमारे वो चल रहा था, हमारे बोली पर मत जाओ। तो ज्ञानी इसके माध्यम से भी आत्मा की ही स्तुति करते हैं। ये गाथा बोल रही थी, टीका को आज पढ़ते हैं, उसी उदाहरण को, सफ़ेद सोने वाले उदाहरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीला सोना क्या होता है आप मुझे बता पाएंगे? अध्यात्म में घटित करिए, एक शब्द बोलिए, कौन होगा वो व्यक्ति, जल्दी बोलिए, वो व्यक्ति कौन होगा? सिद्ध भगवान, नहीं समझे? हाँ वैसे लगाए तो शरीर को गौण करो तो सीधा आत्मा की बात करो तो भी होगा, क्योंकि अरहंत अवस्था तक शरीर और आत्मा एक कहना चाहिए युगपत रहते हैं, इसलिए सफ़ेद सोने का उदाहरण बन गया। सिद्धों में तो ऐसा कोई शरीर है ही नहीं, और वहाँ पर कोई वैसे परीक्षण का वैसे बात भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, छद्मस्तों को दिखेगा कैसे, इसलिए सफ़ेद सोने का उदाहरण बहुत रास्त दिया इन्होंने, क्योंकि मिली जुली चीज़ दिखानी थी और एक शरीर और एक आत्मा दिखा दिया। आपको तीन बातें समझना है, अरहंतों के 40 गुण तीन भागों में विभाजित है, मूल तो दो भागों में, कौन कौन से बोलिए, जीवाश्रित पुद्गलाश्रित, इनको भी पुद्गलाश्रित को भी दो भागों में विभाजित करना, कौन कौन से, एक तो संयोग संबंध, जैसे भगवान गर्भ में आने के 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा, इसलिए भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्या हिरण्यगर्भ के नाम पर कोई अन्य देवी देवताओं की बात नहीं है, मैं कल थोड़ा परसों बहुत बोल रहा था, हिरण्यगर्भ का अर्थ भी गर्भ में आने के बाद ये सब धन बरसता है, इसलिए तीर्थंकरों को ही कहते हिरण्यगर्भ। एनीवे तीर्थंकरों का गुण क्या कहा हमने, कि इतने इतने करोड़ रत्न बरसते हैं, 14 करोड़ कितने बरसते भगवान जान, भगवान तो जानते ही है कह रहे 14 करोड़ रत्न बरसते, और जानते आप नकली वकली नहीं रहते हैं, असली रहते हैं। आपको पढ़ना चाहिए पुराण, हरिवंश पुराण में ये बात आई कि जरासंध के पास कोई रत्न लेके आए कोर्ट में, तो उस बेशकीमती रत्नों को देखकर उसकी आंखें भिरभिरने लग गई। उसने कहा मुंह मांगी कि मत दूंगा, लेकिन उसको पूछा ये रत्न लाए कहाँ से, तो उन्होंने कहा ये रत्न अभी अभी सौरीपुर में नायक का जन्म हुआ है, तीर्थंकर नेमिनाथ का, ये वहाँ पर रत्न बरसे है तो इसकी है ये। तो मुंह मांगी कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो कोई काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, उसका मूल्यांकन भी, हालांकि मूल्यांकन तो इसी विधि से होगा, बाद बाकी सब जगह बरस रहा है तो कौन बेचे और किसको बेचे। एनीवे कहाँ तक आया मैं ये कह रहा हूँ, पुद्गल आश्रित गुणों को दो भागों में विभाजित करना, आपको कौन कौन से,
एक संयोग आश्रित, जैसे रत्न का बरसना, मंद मंद आकाश का निर्मल होना, मंद मंद वायु चलना, सुगंधित वायु होना, जय जयकार होना, ये सब जितनी बातें हैं ये बहिरंग की बात। शरीर की जितनी भी बात आएगी, सुंदर रूप, क्या सुगंधित शरीर, सुंदर रूप, ये जितने एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितनी भी क्वालिटीज़ है ये सब आएगी, हम इसको कह सकते एक क्षेत्र होगा संबंध रूप। पुद्गल आश्रित में भी दो इस प्रकार आपको देखना है, 40 गुणों में तीन भागों में आपको विभाजित करते जाना है, ज्ञान में करना ये सब, ज्ञान में। उसमें ज्ञानी ये मानते हैं ये उपचार और कहवत का धर्म है, और ये जो कहा गया है ये परमार्थ का धर्म है, ये चोरी का माल नहीं है, पर लक्ष्य से उपजा नहीं है, स्वलक्ष्य से उपजा है आनंद चतुष्टय, इसका ह्रास, इसकी घटौती, इसका अभाव कभी भी नहीं होगा। देखिए टीका, पहले अर्थ पढ़ते हैं। जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके, देखो ऊपरी अपेरेंटली इट साउंड्स स्ट्रेंज, ऊपर से इसको पढ़ने पर अटपटा लगता है। जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवल भगवान की स्तुति की और वंदना की। अरे क्या लिख रहे हैं आप, तो आपको ये भाव समझना चाहिए। टीकाकार ने काफ़ी मेहनत की है इसमें, अब देखेंगे टीकाकरण इन शब्दों का प्रयोग न करके एकदम सिंप्लीफाई किया है। देखिए क्या कहते हैं, टीका, जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, यह व्यवहार मात्र से ही कहा जाता है। संयोग के आश्रय से बात की ना, अब ये बात दूसरी है, संयोग किस स्तर का है, वो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का विषय है कि अनुपचरित का जीव में लगाए, तो इसकी तो वैसी बात ही नहीं है। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्तता तीर्थंकर, अब समझे बात को, 24 तीर्थंकरों में दो लाल है, दो हरे है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, कोई काले है, ऐसा जो वर्णन आता है तो वो कहते हैं ये सब उपचार का कथन है। केवली पुरुष का स्वभाव न होने पर भी शरीर के गुण जो शुक्ल रक्त रक्तता इत्यादि है, इसके स्तवन से, फिर से हमने क्या कहा, वो केले कैसे हैं, चित्री चित्री, खाना कुछ नहीं है लेकिन परिचय बाहर से होता है अंदर का बखान कराने के लिए। और जैसे मैंने कल कहा था, चार भक्तियाँ कही थी मैंने, याद आ रहा है, एक तो कर्ता धर्ता कहना जो यहाँ पर अभिष्ट नहीं, स्थूलतम भक्ति गुमराह होने के पूरे अवसर है, लेकिन सम्यक ज्ञानी कुछ भी कहे वो सब सम्यक ज्ञान क्योंकि अपेक्षा समझता है। दूसरा व्यवहार क्या कहा था, शरीर की तरफ से स्तुति। तीसरा स्तुति क्या कही, भक्ति आत्मिक गुणों की तरफ से। और चौथी भक्ति क्या कही, कि अपने आत्मा में समा जाना। यह क्रम है डेफिनेट, स्थूलता से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम की ओर। और जिसमें मैंने कल कहा था यहाँ पर जो बात है वो दूसरी तीसरी भक्ति में व्यवहार निश्चय की बात चल रही है, चौथे प्रकार की भक्ति निश्चय भक्ति वो आएगी 31 के बाद। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्तता तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव न होने पर भी शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि है उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष के रूप में स्तवन किया जाता है, वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है, किंतु निश्चय नए से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता। परमार्थ से उसका स्तवन इसका स्तवन नहीं है, समझे ना, परमार्थ से ये है और यह है, ये शरीर है और ये जीव है। कहने को कुछ भी कहो, ऐसा लोक उपचार तो खूब चलता है, खूब। अभी तो आगे की जो गाथा आएगी 30वीं, उसमें स्वयं एक उदाहरण देकर खड़े होंगे, तब अपन विशेष बात कर लेंगे। भावार्थ देखिए, भावार्थ में कुछ विशेष बात आज कही जाएगी। देखिए, यह कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है, कहाँ पर कहा है, ये ही जयचंद जी छाबड़ा 11वीं गाथा का भावार्थ करते समय
व्यवहार की कितनी धुनाई की है इन्होंने, जिसकी हद जिसका हद नहीं। और कहते हैं कि जगत में तो इसी का प्रचलन है बहुलता से, और आपस में भी ऐसा ही आचार्य तो करते हैं, ग्रंथों को भी पढ़ते हैं तो बहुलता से ऐसा ही कथन है। फिर कहते निश्चय का कथन तो बहुत दुर्लभ है, ऐसा कथन तो सुना नहीं, और किसी ने सुनाया तो उसमें रुचि नहीं हुई। लेकिन इसका फल तो संसार है, पढ़ना चाहिए फिर से ग्यारहवीं गाथा का भावार्थ। आज क्या कह रहे हैं, कोई माने व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहारो भूदत्थो। यह कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तो व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है, उसका उत्तर यह है। पॉइंट टू बी नोटेड, व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। जहां पर जो प्रकरण आता है उसको वैसे समझना चाहिए। मैंने आपको कभी कहा था, आपको याद आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो फिर से रिपीट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था एक बार सौगत मत में और जैनियों में आपस में चर्चा छिड़ गई, और सौगत मत वाले ये कह रहे हैं जैनियों को, हम भी निश्चय व्यवहार को मानते हैं, आप अलग कैसे हो गए। सौगत मत समझे, सौगत मत, सौगत जिनके अनुयायी जैन, विष्णु के अनुयायी वैष्णव, बुद्ध के अनुयायी बौद्ध, सुगत के अनुयायी सौगत। व्हाट इज दिस सुगत, बुद्ध को ही कहते सुगत, केवल ज्ञान, ऐसे भी मानते हैं। तो बौद्धों ने प्रश्न किया जैनियों को कि निश्चय व्यवहार हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, अलग कैसे हैं आप क्या कहते हैं कि हम ही मानते हैं। जैनी कह रहे हैं उनको उत्तर में, कहते देखिए मानते तो आप हो, लेकिन कहते आप व्यवहार को झूठा मानते हो, असत्यार्थ मानते हो, फिर आप भी तो मानते हो। सुनिए, हम व्यवहार को निश्चय की तरफ से तो असत्यार्थ मानते हैं, लेकिन व्यवहार को व्यवहार की तरफ से पूर्णतया सत्यार्थ मानते हैं, सत्यार्थ। समझ में आता है? और आप लोग व्यवहार को व्यवहार की तरफ से भी असत्यार्थ मानते हो। भैया समझ में आता है कुछ? फिर से समझिए जरा। निश्चय से जीव को क्या खाना चाहिए, भक्ष्य क्या भक्ष्य? निश्चय से जीव को क्या खाना चाहिए बताइए, भक्ष्य या अभक्ष्य? खाता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, व्यवहार से क्या खाना चाहिए बताइए, भक्ष्य। सागर धर्मामृत में एक बहुत सुंदर बिंदु उठाया उन्होंने, ये कहा शंकाकार ने, गेहूं का दाना खाना एक जीव का घात है। हालांकि एक जीव का नहीं है, अभी फिर कभी चर्चा चलेगी, फिर बात करेंगे। गेहूं को खाना भी एक जीव का घात, और हाथी को खाना भी एक जीव का घात। तो दोनों में जब एक ही जीव का घात है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा व्यवहार कितना मजबूत है वो मैं बता रहा हूं। व्यवहार से खाता है तो क्या खाता है, कितना, कैसे और कब, यहां से वहां भी हुए तो नहीं चलेगा, ये भक्ष्य है या अभक्ष्य है। व्यवहार को व्यवहार के तरीके से समझना चाहिए। जब उसने ये तर्क उठाया कि एक हाथी को खाओ नहीं तो एक गेहूं को खाओ, बात तो एक ही, एक ही जीव का घात हो रहा है, और बल्कि हमको तो लाभ एक हाथी के सेवन में दिख रहा है, क्योंकि एक हाथी के सेवन में तो पूरा गांव खा सकता है, हम तो महीनों काम चला लेंगे और एक जीव में काम निकल आएगा। आचार्य देव ने क्या किया मालूम, एक बहुत जोर का चाटा खींच कर जड़ दिया शंकाकार को, चाटा मतलब शाब्दिक रूप में, और ये कह रहे देखो तुम्हारी माँ भी महिला है, तुम्हारी पत्नी भी महिला है, तो तुम्हें जब भोग करना है तुम करोगे तो महिला ही के साथ। आप आगे समझ गए होंगे बात को, कहते ही इतना विवेक रखते हो कि नहीं, व्यवहार की प्रवृत्ति में भी विवेक चाहिए। ब्रह्मचारियों की तो कोई बात ही नहीं है, उनको ऐसा विवेक की आवश्यकता नहीं है जिसकी बात चल रही है, वे तो परम विवेकवान है। व्यवहार जैनियों का सर्वथा सत्यार्थ नहीं है,
देखिए देखिए फिर से, उसका उत्तर यह है, व्यवहार ने सर्वथा सत्यर्थ नहीं है। अभी किसी को जाकर बोलिए व्यवहार ने कथनचित किसी अपेक्षा से सत्यर्थ है, बोलने नहीं देंगे आपको। अरे भाई, जहाँ पर जो प्रकरण उठता है वैसी बात करनी पड़ती है। जिसमें टोडरमल जी की भाषा, जिसमें शीत की अधिक आयु हो उसको उष्ण दवा देना, जिसको उष्ण की अधिक आयु हो उसको शीत की दवा देना। जैसे बुखार आए तो क्या करना चाहिए, बुखार आए तो क्या करना चाहिए, बुखार आए तो सबसे पहले ये पहचानना चाहिए बुखार कौन से स्तर का है। इज इट अ कोल्ड फीवर, और दीज केसेस आर वेरी फीवर। एक कोल्ड फीवर भी होता है, एक दाह ज्वर होता है, एक शीत ज्वर होता है। कह रहे बुखार आए बुखार आए, अरे बुखार के नाम पर तुम वही दवा दोगे और यदि शीत ज्वर निकला तो बीमारी तो दुगुनी हो जाएगी। आचार्य देव कहते यदि निश्चय की मुख्यता है किसी में तो उसको व्यवहार को उपदेश देना चाहिए। यदि व्यवहार की मुख्यता है, क्रियाकांड क्रियाकांड में लगा भी, ये करना वो करना वो करना, स्वाध्याय भी करना सामयिक भी करना, तो उसको सहजता को दिखाने के लिए उसको निश्चय को उपदेश दिया जाना चाहिए। सम्यक दर्शन अयत्न साध्य है। जिसको जैसा जहर चढ़ा हो उसको विरोधी तत्व दिया जाता है। ऐसा होता था ना रामायण में, सामने वाले ने अग्निबाण छोड़ दिया, यहाँ से क्या होगा, जलबाण होगा, वहाँ से नागबाण छोड़ा, यहाँ से क्या करेंगे, गरुड़बाण छोड़ा जाएगा। उसका टक्कर का खड़ा करना पड़ता है। वो हर बार ऐसा थोड़ी काम मिचक्कर काम चलेगा, मैं तो पहले ये निकाल कर रख रहा हूँ तो दूसरी कोई चीज़ डालेगा तो फिर काम नहीं करेगा तुम्हारा। वो देखकर जिसमें जिसके अधिकारी है, आज ये कह रहे हैं कि व्यवहार सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, इसलिए जो तुम हटक रहे करो फिर कहना ही नहीं चाहिए देह और जीव को एक। अरे भैया ये भी कथनचित सत्य है, लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। उसे निश्चय को प्रदान करके सत्यार्थ कहा, और छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। मैं कल परसों आपको यही कह रहा था, आत्मा दिखाई नहीं देता, वे बात कहाँ से करेंगे आपसे, उनको बात तो आप ये मानकर चलिए। सुनिए, गैस है, कोई गैस बेचने को है लैबोरेटरीज में, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभी कैसे पहचानेगा कोई कौन सा गैस को, वो तो सील देखकर ही तो पहचानेगा अंदर से कैसा है, भरने वाले ने समझ से भरा है। उसी प्रकार आत्मा को वैसे जाना तो नहीं जा सकता, शरीर के आश्रय से ही तो जाना जाएगा, और लेबल यहाँ वहाँ हो तो गड़बड़ जाएगा। शरीर तो यहाँ वहाँ होने का काम नहीं, शरीर के आश्रय से जीव की पहचान करना जरूरी है। देखिए हाँ, शरीर दिखाई नहीं देता, उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर, मिल रहा है, और यहाँ तक लिखते हैं आचार्य देव। क्या लिखा, सर्वर सिद्धि के प्रारंभ में, कैसे है वे मुनिराज जो जंगल में बैठे हैं, अवाक विसर्गम, जिनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, और वपुषाम निरूपयंतम मोक्ष मार्गम, मोक्ष मार्ग को जिनके शरीर का एक एक रोम बोल रहा है, मुद्रा देखकर अंतरंग का पता चल जाता है। यहाँ तक निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से। आगे बोलिए, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य पुरुषों की यह कैसी अलौकिक शूरता। बाहर के जंगली कुत्ते भी श्रेणिक ने भेजे हुए, वो एकदम सावधान हो गए मुनिराज की मुद्रा देखकर, उनको भी सम्यक तो हो गया, मुद्रा की इतनी ताकत है, वो बाहर से झलक रहा है ना, बाहर में अभिव्यक्ति हो रही है, तो बाहर का गुणगान करके हम अंदर की बात, परिचय सहन करने की हम बात कर रहे हैं मुनिराज की। मुनिराज रात भर भी हिलते नहीं है, रात भर भी मुनिराज हिलते, जो करवट ली है मुनि ने
वो करवट बदलते नहीं है मुनिराज रात भर, उससे हमने किसकी महिमा आकी भाई साहब, किसकी महिमा आकी? वैराग्य की। क्योंकि हम चाहे ऐसा करेंगे तो हो थोड़ी हो सकेगा, कितनी बदली क्या मालूम तुम्हें, वो तो विरक्ति की बात है, जागृति की बात है। उनकी शांति रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करते हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ शरीर क्या, और बाहर से भी स्तुति की जाती है। इल्यूमिनेशन इज बाय द मून एंड नेवर बाय द स्टार्स। क्या कहा भक्तामर स्तोत्र में कि महिमा जो चंद्रमा से है वो तारों से कहाँ, और आपके माँ जन्म तो सभी देती है अपने बच्चों को, लेकिन आपके माँ जैसी कोई विरली ही है, माँ की महिमा। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से विस्तुति करता है तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वितराग भाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार है। अभी इसमें और एक बात समझना, कदाचित व्यभिचारी भी हो सकता है ये लक्षण, कदाचित ये लक्षण व्यभिचारी भी हो सकता है, क्योंकि बाहर में वो चीज़ हो और अंदर में वो चीज़ हो नहीं, ऐसा हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरे उदाहरण को? हमने देखा हरा केला, अभी थोड़ा सा टकराएगा परसों की बात को, जानबूझकर उठा रहा हूँ। हमने देखा हरा केला, हरे छिलके वाला सफ़ेद केला। अनुमान क्या था आपको? अनुमान ये था कि कच्चा है। अभी देखिए अंदर में, तो उसको खोल के देखिएगा आप, आपको लगेगा कि इतना लूज कैसे हो गए। नहीं होते ऐसे, साधारण नहीं पकते, लूज हो जाते एकदम। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। व्यभिचारी लक्षण टू, एकदम पीला केला उठा उसको, और क्या उसको खोलते समय, उसको खाते समय ये नहीं ख्याल में आते साफ साफ कच्चा है? बोलिए बात को अच्छे से। कारपेट कृत्रिम रूप से पकाया गया है, तो बाहर से तो पका दिखता है, अंदर में कच्चा है। कृत्रिम रूप से ओढ़ा गया मोक्ष मार्ग, बाहर में तो 28 मूल गुणादि सब दिख जाता है, अंदर से कचास जो कि त्यों बनी रहती है, सेवनीय नहीं होती, थू थू होती है। लेकिन दुनिया को कैसे पता चले? खाए बिना, स्वाद चखे बिना, और स्वाद दुनिया कैसे चखे? वो तो वही चखे अथवा केवली तो जानते ही है उनका। कहना का तात्पर्य दोनों भिन्न है ना, इसलिए लक्षण व्यभिचारी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों भिन्न है। हाँ, तीर्थंकरों के जो समग्र लक्षण कहे वो तो तीर्थंकरों में ही संभव है, दो पांच लक्षण तो अन्य जनों में भी पाए जा सकते हैं। दो पांच लक्षण पाए जा सकते हैं। रेवती रानी ना तीर्थंकर आए हैं, 25वां समोशरण आए हैं, तो वो मायावी ताकत से ऐसा खड़ा कर सकते हैं। सभी क्वालिटीज नहीं हो सकती, वैसे कुछ एक क्वालिटी को करके ऐसा हो सकता है। 29वीं गाथा एक बार पढ़ेंगे हम। तम निश्चयेण जुज्जदि न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो, केवली गुणो थुण दिजो सो तच्चम केवलिम थुण दी। नहीं योग्य ये नहीं देह गुण केवली ही के, जो केवली गुण कोस्तवे परमार्थ केवली वोस्तवे। सिंपल गाथा है, दो लाइन में मैं अर्थ करता हूँ, विशेष अर्थ हम कल देख पाएंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं ज्ञानी जन शरीर की स्तुति करके ऐसा मानते हैं कि ये देह ही की स्तुति है, आत्मा की स्तुति नहीं है, और आत्मा की स्तुति करके यह आत्मा की ही स्तुति है ऐसा मानते हैं, इसीलिए दोनों भक्तियाँ उनकी सम्यक है। फिर से समझ में आया? फिर से बोलूँ? मैं फिर से बोलता हूँ। कल मैंने वैसे चार नियम बताए थे, उस नियम में ही एक बढ़ोतरी कर देते हैं। क्या नियम बताए थे मैंने? शरीर क्या है? तो मैंने कहा था शरीर तो शरीर है ना, निश्चय है ना व्यवहार है। दूसरी बात क्या कही थी? शरीर को शरीर कहना या जानना
बोलिए। निश्चय। शरीर को जीव कहना या जानना, बोलिए व्यवहार। तीन, चार, बोलिए शरीर को जीव मानना मिथ्यात्व। और एक बात बढ़ाइए अभी, शरीर को शरीर मानना सम्यक्त्व। भाई साहब सम्यक्त्व तो वो तो कल आप बोल रहे थे, शरीर को जीव जानना भी सम्यक्त्व है, और आज तो बोल रहे शरीर को शरीर मानना ही सम्यक्त्व। भाई मेरे, वो सम्यक ज्ञान की बात थी, उसमें जानने की बात आती है, ये सम्यक दर्शन की बात है, मानने की बात इसमें आती है। और एक पांचवा पॉइंट हुआ ना, एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और समझना, क्या हमने जो कहा शरीर को शरीर जानना वह निश्चय, शरीर को जीव जानना वो व्यवहार, ये निश्चय और व्यवहार सम्यक ज्ञानी के अंश है। शरीर को जीव जानते हुए भी दिमाग में तो ये होना चाहिए ज्ञान में कि यह जीव नहीं है, ऐसी अपेक्षा दिमाग में हो तो ही उसका जानना निश्चय और व्यवहार संज्ञा पाएगा। यदि मान्यता ही ठीक नहीं है तो केवल जानना ही तो नए संज्ञा नहीं पाता, फिर वो नया भास की संज्ञा पाता है, निश्चयाभास व्यवहाराभास हो जाता है। यह अपेक्षा और उसमें ऐड कर लेना। शेष कल। ओम नमः।